मुंगेर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी प्रत्याशी कुमारी अनीता के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा भगाओ देश बचाओ और कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। दरअसल आज मुंगेर लोकसभा सीट के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी उम्मीदवार कुमारी अनीता ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष आज अपना नामांकन करवाया। नामांकन के बाद मुंगेर सदर प्रखंड स्थित चरवाहा विद्यालय के मैदान में एक जनसभा को लेकर मनाए गए मंच पर पहुंची, जहां मुख्य वक्ता के रूप में आपको बताते चलें पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। अपने नेता को सुनने के लिए हजारों की संख्या में राजद समर्थक मौजूद थे। मंच पर से जहां तेजस्वी ने प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की और अपने संबोधन में विपक्षियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हम चाचा का सम्मान करते थे, करते रहेंगे, पर अभी भाजपा वालों ने चाचा को हाईजेक कर लिया है। इस कारण भाजपा भगाओ देश बचाओ, भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है। हमने 6 महिला को टिकट दिया और सभी जीत कर पार्लियामेंट आएंगे। हम जीते तो 1 करोड़ को रोजगार देंगे, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, विशेष पैकेज के रूप में 1,60,000 करोड़ रुपये का पैकेज देंगे, यानी कि 1 लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा जिससे उसका विकास होगा। बातें नहीं करते, असंभव है उनके लिए करना।
केवल मंदिर मौजूद। अब लोग 10 साल देख लिया कुछ किए नहीं तो फिर मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लीजिएगा। बताओ मुंगेर के लिए क्या किया, क्या किया अपने आपके गांव के लिए क्या किया? बोलते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खातों में आएगा, ज्यादा नहीं बोलते थे अच्छे दिन आएगा। 19 में बोले कि किसान का आय दुगुना होगा, हर कच्चे मकान को पक्का मकान कर देंगे, महंगाई गरीबी मिटा देंगे, जीडीपी बढ़ा देंगे, क्या क्या कहते थे। 19 वाला भी नहीं हुआ पूरा, ना 14 वाला पूरा हुआ, 24 में कुछ बचा है नहीं बोलने के लिए, झूठे झूठ बोल रहे, केवल हिंदू मुसलमान की बात कर रहे। असल मुद्दा क्या है भाई, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा, किसान का आय दुगुना, पलायन, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये सब है असल मुद्दा। भटकना नहीं है, अब हम लोग सब लोग एक हो गए हैं, एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो हाथ दिखा करके अनिता जी का आशीर्वाद दीजिए, अनिता जी का आशीर्वाद दीजिए। पार्लियामेंट जाएंगे, एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। हम लोगों ने सबको मान सम्मान दिया, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, सभी लोगों को इस बार हम लोगों ने मौका दिया है चुनाव, और आगे भी विधानसभा में भी सभी भाइयों को हम लोग मौका देंगे, सबको सम्मान देंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम बस ये बताने आए, किसी को गाली देने नहीं है, हम अपना काम करने आए हैं। हम क्या करेंगे, अगर जीतेंगे तो इंदिरा राज की सरकार बनाओ, अनिता जी जीतेंगी तो आने वाला जो 15 अगस्त होगा, जिस दिन हमें आजादी मिली थी उस दिन बेरोजगारी से आजादी दिलाने की प्रक्रिया उन्हें शुरू कर सकते। पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देंगे। पूरे देश में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी? 800 गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, उनको साल में एक बार गरीब बहनों को 1 लाख रुपया का मदद हम लोग करेंगे। तो सिलेंडर गैस 1500-1200 रुपया हो गया है, उसको 500 रुपया हम लोग करने जा रहे हैं। शिक्षा चिकित्सा मुफ्त में, और जो सबसे महंगा बिजली बिहार में होता है, सबसे महंगा देश में अगर कहीं का बिजली है तो बिहार में है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली सभी लोगों को। हम सब लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, और सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म हम लोग करेंगे। सम्मान शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगा, पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही होगा, 4 साल वाला
के तहत 1,60,000 करोड़ देंगे, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ का सहायता हम लोग करेंगे ताकि आपके गांव, आपके पंचायत जो है वो विकसित हो सके। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और जो 17 साल में नहीं हुआ वो हम लोगों ने 17 महीने में करने का काम किया। हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, हम जब तक जिएंगे तब तक उनका सम्मान करते रहेंगे, इज्जत करते रहेंगे। वो बुजुर्ग हैं, हम तो उनके साथ बेटा के रूप में खड़े थे, हमने उनको कहा था कि तेजस्वी आपके साथ आपके पीछे खड़ा है, आप प्रभुत्व के साथ सरकार चलाई, लेकिन कुछ लोग हैं वहां उनको पसंद नहीं आया, भेद भेद कर करके चाचा भतीजा में दराज लाने का कोशिश करता रहता है, अभी भी कोशिश करते हैं दराज डालने का, लेकिन हम जानते हैं कि चाचा का प्यार मेरे ऊपर है, आशीर्वाद ऊपर है, सम्मान था सम्मान हम करते रहेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भाजपा वाला सब हाईजैक कर लिया है उनको,